हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंटेक इलेक्ट्रॉनिक। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, आज हमारे पास आया हुआ है एक सोनी का स्टीरियो म्यूजिक सिस्टम। इसका प्रॉब्लम ये है कि इसके एक भी स्विचेस काम नहीं कर रहे और ये स्टैंड बाय मोड से नहीं उतर रहा है। तो कस्टमर ने ऐसा बोला है कि इसे साल भर से यूज़ नहीं किया, उसके पहले बराबर चल रहा था और ऐसे ही रखने की वजह से ये स्टैंड बाय मोड से नहीं उतर रहा है। और आज हम देखेंगे कि इसका प्रॉब्लम क्या है, माइक्रो स्विचेस ख़राब है कि क्या सॉल्यूशन है। और इसमें हमें ब्लूटूथ भी लगाना है, तो ब्लूटूथ लगाने के लिए मैंने मार्केट से ये ब्लूटूथ किट खरीद लिया है जो कि इजीली अवेलेबल हो जाता है। और हमें चाहिए होगा एक चार्जर, मोबाइल चार्जर है, कोई भी अच्छी कंपनी का मोबाइल चार्जर आप इसके फिट करने के लिए लगा सकते हैं। तो आज जो मैं आपको बताऊंगा ब्लूटूथ के बारे में, वो हर एक सिस्टम में काम करेगा। कोई भी स्टीरियो सिस्टम हो, डीवीडी प्लेयर हो या कोई भी होम थिएटर हो, उसमें इजीली ब्लूटूथ आप कैसे लगा सकते हो ये आज मैं आपको बताऊंगा। ये चार्जर का यूज़ करने का रीज़न यही है कि आपको एक भी डिस्टॉर्शन साउंड नहीं मिलेगा, डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। अगर हम इसको रेगुलेटर IC 7805 से लगाते हैं तो आपको हल्का सा डिस्टर्बेंस मिलता है। इसलिए हम ये चार्जर यूज़ करेंगे, जो कि चार्जर की वजह से अगर समझे इन फ्यूचर कभी आपकी ब्लूटूथ किट में अगर कुछ शॉर्टिंग वगैरह भी होती है तो वो आपके कोई भी सर्किट को डैमेज नहीं करेगा, वो खाली चार्जर तक ही सीमित रहेगा। अगर आप उसको 7805 से कनेक्ट करते हो या अगर आप कहीं पे कोई बोर्ड अंदर के ही बोर्ड से सप्लाई लेते हो 5 वोल्ट का, तो थोड़ा रिस्की हो जाता है। इसलिए सबसे सेफर साइड है एक चार्जर यूज़ करो। चार्जर 50 to 60 रुपीज़ मार्केट में अवेलेबल है। अगर ये कुछ भी नहीं करना है, आपका सिस्टम प्रॉपर चल। और जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये हमारा पहले का बनाया हुआ ब्लूटूथ है, जो कि मैंने बताया हुआ है कैसे बनेगा, ये वीडियोस मैंने बना के डाला हुआ है। इसका सेम डिवाइस है, दोनों भी कोई फ़र्क नहीं है, खाली ये बाहर से बनाया हुआ है और वो अंदर लगेगा। और इसको कुछ करना नहीं है, इसको सिर्फ आपको ये प्लग इन करना है और इसको पीछे इनपुट में दे देना है। कोई भी इनपुट हो, ऑक्स इन हो, DVD हो, CD हो, कोई भी इनपुट हो आपको देना है और आपका ईजिली प्लग एंड प्ले हो जाएगा। सबसे बेस्ट आइटम है ये, कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, इसे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं और कोई भी सिस्टम में आप इसको लगा के यूज़ कर सकते हो। तो चलिए आज देखते हैं हम कि कैसे इसको हम आज इसका प्रॉब्लम जो है इसको शॉर्ट आउट करें। तो आइए इसे खोल लेते हैं, पहले पूरी तरीके से खोलने के बाद इसे चेक करेंगे कैसे क्या करना है और क्या सोल्यूशन है इसका, क्या करें कि इसका प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, हमने इसे खोल लिया है और ये खोलने के बाद काफ़ी गंदा है अंदर से, बट हमें खाली इसे ब्लूटूथ किट इंस्टॉल करना है। अब इसे हम पूरी तरीके से खोलेंगे और फिर इसे साफ़ करेंगे। तो चलिए अभी हमने इसे खोल लिया है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो ट्रे है इसे बाहर कैसे निकाला जाए, बिकॉज जिनको पता नहीं होगा उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा ये ट्रे को बाहर निकालना। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसको कैसे आपको बाहर निकालना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसके जो स्क्रूज है इसे खोल लेने हैं, जो ऊपर वाले स्क्रू है ये। सबसे पहले इसका ये इसको एक हाथ से पकड़ के रखिए और दूसरे से इसको ऐसे घुमाइए, तो ये आपका दोनों अलग अलग हो जाएगा और इसे आप निकाल लीजिए। ये दोनों चीज़ को आप निकाल के संभाल के, ये देखिए इस तरीके से अलग होगा, ये सॉरी इस तरीके से अलग होगा। आप इसे निकाल के साइड में रख दीजिए। उसके बाद आप लोगों को ये दोनों स्क्रू को खोल लेना है, इसके दोनों स्क्रू को खोल के निकाल लेना है आपको। और ये भी बाहर आ जाएगा इजीली, ठीक है। ये जैसे कि ये भी बाहर आ गया है। इसके बाद आपको इसका मिडल स्क्रू खोलना है, ये वाला। ये खोलने के बाद इसका ट्रे ये आपका थोड़ा निकल जाएगा, इसको रोटेट कर लीजिए। जैसे कि आप लोग देख रहे हो ये इसका व्हील है, इसको आप अगर घुमाओगे तो आपका ये ठीक है। ये देखिए आप इसको लास्ट एंड पे लेके आओगे, ये आपका लेंस नीचे हो जाएगा और ये ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। और ये ओपन हो गया है। अब ये ओपन हो जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, ये जो फ्रंट वाला सेक्शन है इसको नीचे से दबा के ऊपर की तरफ लेना है। ये इस तरीके से, सॉरी अगर आप लोगों को नहीं दिखाया तो मैं फिर वापस दिखा देता हूँ। ये ऐसे फिट होता है इसके अंदर। आप लोगों को इसको नीचे से प्रेस करके ऊपर की तरफ ले लेना है, ये ऐसे अलग हो जाएगा। ये अलग हो जाने के बाद आप इसका जो फ्रंट पैनल आप इसका फ्रंट पैनल को बाहर निकाल सकते हैं। एक वन साइड लॉक होगा ये, और अंदर जितने भी स्ट्रिप लगे उसे आराम से आप निकाल लीजिए। ये जितने भी आपको स्ट्रिप लगे हुए हैं या वायर्स लगे हुए हैं इसको आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए। देखिए फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख रहे हो ये मैंने पूरी तरीके से इसको खोल लिया है, ठीक है। ये जितने स्विचेस हैं इसके काम नहीं कर रहे, तो हमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। हमें खाली WD से मारेंगे हम। ये एक WD है जो कि बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, केमिकल है सॉरी। इसे आप अगर एक एक बूंद इस सारे स्विचेस में डाल के आप थोड़ा टाइम इसे बंद चालू करोगे, ऑन ऑफ करते रहोगे इसको, तो ये ऑटोमेटिकली पूरा वर्किंग में आ जाएगा। तो चलिए आइए इसमें थोड़े थोड़े WD डाल देते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने सब में थोड़ा थोड़ा डाल दिया है इसे, और ये बटन को ऐसे थोड़े प्रेस करना है। 20 से 30 टाइम पावर बटन को आप प्रेस कीजिए, तो जिसके वजह से क्या होगा कि जो भी ये केमिकल है पूरी तरीके से उसके अंदर जाएगा और वो क्लीन हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, ये स्विचेस को आप प्रॉपरली अंदर बाहर एक बार ऑन ऑफ कर लीजिए, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी केमिकल है वो पूरी तरीके से अंदर चला जाएगा। और वेरी सिंपल प्रोसेस है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, कुछ नहीं है। अगर प्रॉपरली करें तो एक आध घंटे का काम है पूरा प्रोसेस का, उससे ज़्यादा नहीं है। ये तो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके, क्योंकि आपको फिर ये नहीं होए कि भाई इसमें कैसे खोलना है क्या करना है। ठीक है, अभी आपको कुछ करना नहीं है। जो ऊपर ऊपर आपको थोड़ा केमिकल ज़्यादा लगे तो एक कपड़े से आप उसको पोंछ के निकाल दीजिए। तो जैसा कि देख रहे हो आप लोग, इसे मैंने फिट कर दिया है पूरा, जैसा का वैसा हो गया है। अब ये ऊपर के जो जो आइटम है इसके, ये आपको लगा लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको अभी मैंने पूरी तरीके से क्लीन कर लिया है। अब इसमें हम ब्लूटूथ किट को इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने मार्केट से ब्लूटूथ किट ले लिया था। अब हम इसको इंस्टॉल कैसे करें वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको दो ऐसे वायर की ज़रूरत लगेगी, जिसको हमें ये चार्जर के साथ ये कर लेना है, सोल्डर कर लेना है। और ये मैंने रबर स्लीव्स रखा हुआ है, थोड़ा काफ़ी काम की चीज़ है ये। हमें ये दोनों वायर को इस पे सोल्डर कर देना है। ये देखिए, जैसे कि आप लोगों ने देखा, ये दोनों वायर को मैंने दोनों एक एक पॉइंट पे सोल्डर कर दिया है। ये डायरेक्ट एसी का इसको सप्लाई देना पड़ेगा हमें, जिसपे ये चार्जर काम करेगा। और बाद में ये स्लीव्स को हम थोड़ा लाइटर से फिक्स कर देंगे। ये सेफ्टी हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो सेकंड पॉइंट है इसको देखिए, मेंस वायर आया हुआ है एसी का, हमें ये बोर्ड को खोल लेना है। बोर्ड को खोल के बाहर निकाल देना। जैसे आप देख रहे हो, ये देखिए, ये दोनों जो मेंस का वायर है, मेंस वायर जो है, ये वाला वायर दोनों ये पॉइंट पे आया होगा। तो हमें क्या करना है, इसका दोनों पॉइंट को इन दोनों पॉइंट पे सोल्डर कर देना। अब ये सोल्डर होने के बाद इसे वापस से हमें लगा देना। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, इसमें से एक रेड वायर निकला है, एक ब्लैक वायर निकला है। इसका जो रेड वायर है वो मोस्ट ऑफ पॉजिटिव ही होता है, 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट का सप्लाई ये रेड वायर से मिलेगा आपको। और ये जो ब्लैक वाला है वो ग्राउंड है उसका, ठीक है। तो मैं भी आपको इसकी वायरिंग बता देता हूँ ब्लूटूथ की। एक और छोटा वायर हमें लगेगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, इसका सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, ये जो पहला वाला पॉइंट है नीचे वाला, वो ग्राउंड का है और उसके ऊपर 5 वोल्ट का है, ठीक है। और फिर उसके बाद अपना लेफ्ट राइट ऑडियो इन का और ग्राउंड। तो ये जो चार्जर वाला जो वायर हमने निकाला है, ये रेड वाला हम देंगे 5 वोल्ट को और एक ग्राउंड दे देंगे। और जो 3 वायर हमने रखा है वो इनपुट के लिए रखा है। मैं आपको सोल्डर करके दिखा देता हूँ। ये देखिए हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। पहला वाला ग्राउंड है 5 वोल्ट का, सेकेंड वाला लाल कलर का जो लगाया हुआ है वो 5 वोल्ट है, इसके बाद ग्रीन वाले को ग्राउंड रखा है, येलो और ब्लू को ऑडियो इनपुट दिया हुआ है। अब हम इसे एक काम करेंगे, यहाँ बोर्ड पे इसे चिपका देंगे। चिपकाने के लिए मेरे पास डबल साइड का ये 3mm का टेप है, 3M का, इसी को यूज करेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको यहाँ पे फिट कर दिया है, ठीक है। अब हमें इसको इनपुट के लाइन पे कनेक्शन करना है, तो इनपुट का लाइन आपको पहले चेक करके लेना होगा कि इसका इन कौन सा है। तो मीटर को आपको कंटिन्यूटी पे रखना है और एक पिन को आपको अंदर डालना है। ये इसका इन है, ये दूसरा वाला इन है, और ग्राउंड तो आप कहीं पे भी दे सकते हो। ग्राउंड अंदर की तरफ है इसका, ठीक है। तो ये तीनों वायर को आपको सोल्डर कर देना। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, ये हमारा ब्लूटूथ की वायरिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। चलिए आइए अभी इसे फटाफट हम फिट कर देते हैं, जो भी मतलब अभी इसका बचा कुचा है फिटिंग कर लेते हैं इसको। तो जैसा आप लोग देख रहे हो अभी ये फिट हो चुका है। इसे हम अभी प्लग इन करके देखते हैं कि क्या कंडीशन है इसका और क्या कितने तक वर्क कर रहा है। जैसे कि अभी डेमो मोड पे आ गया है, ये देखिए ये पावर ऑन हो गया प्रॉपरली, ठीक है। अब इसके स्विचेस काम करने चालू हो गए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है बट यूज़ करते करते हो जाएंगे प्रॉपरली। थोड़ा टाइम लगेगा इसको। नॉर्मली ये काम करना चालू कर दिया है। तो आइए अभी इसको पूरा फिट कर देते हैं और इसके स्पीकर के बॉक्स लगा के हम ब्लूटूथ पे टेस्ट करेंगे कि ये कैसे बज रहा है करके। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों ने अभी इसको पूरी तरीके से इंस्टॉल कर दिया है। अब इसके अंदर जो ब्लूटूथ हमने फिट किया है, आइए उसे चेक करेंगे। देखिए जैसे कि आप लोग देख रहे हो 3.0 ब्लूटूथ आ गया है और ये कनेक्ट हो चुका है अभी। Listen to your favorite Tamil songs for free on Gaana with unlimited downloads. Install the Gaana app now. फ्रेंड आप लोगों ने देखा ये ब्लूटूथ प्रॉपरली फिट हो गया है इस मशीन के अंदर, और इसी तरीके से आप कोई भी मशीन के अंदर ब्लूटूथ ईजिली फिट कर सकते हो। और अगर मेरी बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आगे मैं ऐसे कुछ भी वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।